सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आलोक जी का लिंक चला गया है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? अब 2022 में तो आपको दो 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 हाथ करने हैं बीजेपी के साथ, तो अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। जब मैं बजट सुन रहा था दीपक जी, तो मुझे लग रहा था चारों तरफ से आवाज आ रही है सेल 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 लगी है, लेकिन अच्छा ये हुआ मैं बच गया, और इसलिए मैं तारीफ भी कर रहा हूं बजट की। कम से कम उन्होंने ये नहीं बोला एक के साथ एक फ्री, ये नहीं बोला, बस इतना इतनी गनीमत तो रखी है बजट में कि एक के साथ एक फ्री नहीं बोला, सेल तो लगा दी थी उन्होंने। हर चीज का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, हर चीज को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। आप चाह रहे हो कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से टूटी हुई, आपको पता है डिफिसिट कितना है? 6.8% है हमारे देश का, अगर स्टेट का बना दें तो करीब 4% है, दोनों को ऐड करती तो 11% है, और अगर अजय कुमार सिन्हा जी की बात मान ली जाए तो जीडीपी का 15% है डिफिसिट। आप सोचिए जिस देश के अंदर में आपने जितना लोन लिया है 10 लाख करोड़, और जो पीएसयू को बेच के आपने पैसा इकट्ठा किया उसका 70% पैसा आप खर्च कर चुके हो। आप कभी राशन बांटने में, कभी अपना चुनाव के इलेक्शन का आपने वादे पूरे करने में लगे हुए, तो कैसे वेलफेयर स्टेट कहलाएगी अनुराग जी? आप चुनाव, आप राशन बांटने को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी राशन बांटने को क्रिटिसाइज कर रही है। अरे राशन बांटने को नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ आपने कहा राशन बांटने में खर्च कर दिए, बात तो सुनिए। आप बीच में कोटेंगे, कूद पड़ेंगे तो मैं दिक्कत होगी ना बात सेंटेंस पूरा होने में। मेरा कहने का मतलब बजाय उनको देने के आपको उनको पैरों पे खड़ा करना चाहिए। वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे बेचे, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचे, उनकी उनको आपको पैकेजिंग सिस्टम सिखानी चाहिए, उनको मार्केटिंग सिखाना चाहिए, उनको कैसे सेल करें मार्केट के अंदर में। वो एक्चुअली यहाँ पे किसान प्रोड्यूस करता है और सेल कोई और कर रहा है, किसान को आप इस लाइन बनाइए ना। यही तो कह रहे हैं, 3 किसान बिल, उसको किसान अपनी कीमत तय करे, ऑप्शन हो, मंडी का भी ऑप्शन हो, प्राइवेट व्यापारी का भी ऑप्शन हो, यही तो कह रहे हैं। किसान बिल और क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? नहीं, किसान बिल कहता है कि मंडी तो धीरे धीरे आप खत्म ही कर दोगे, सबको पता है क्या। चलिए ठीक है।